नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। भदोही उत्तर प्रदेश से रिपोर्टर नितेश श्रीवास्तव द्वारा की गई रिपोर्ट। बदलते जीवन शैली के साथ ही ऑटिज्म बीमारी का डर बढ़ गया है। ये न्यूरोलॉजिकल विकार है। ये बीमारी 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चों में होने की आशंका रहती है। वैसे तो जिले में ऑटिज्म बीमारी का ग्राफ 0 है। महाराजा चेत सिंह चिकित्सालय में बीमारी से संबंधित मरीजों की संख्या 0 है। चिकित्सकों के अनुसार यह बीमारी 2 साल तक के बच्चों में शायद ही होती है और 3 से 5 डिग्री तक के बच्चों में सामान्य होती है। कभी कभार 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों में ये बीमारी होती है। आमतौर पे बच्चों में होने वाली एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, जिसमें कि बच्चे का जो नॉर्मल विकास होता है वो प्रभावित हो जाता है, जो उसके ब्रेन का जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो जाता है। ऑटिज़म में आमतौर पे अब जो लक्षण आने शुरू होते हैं, एक नॉर्मल पीरियड रहता है बच्चे के डेवलपमेंट का, कि शुरू में आमतौर पे माता पिता यही बताते हैं कि शुरू में बच्चे का डेवलपमेंट ठीक हो रहा था, पर अचानक से 2 साल 3 साल की उम्र होने पर धीरे धीरे उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है। जो भी उसमें स्किल्स पहले सीखे थे बच्चे ने, चलना बोलना, तो उनमें भी धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो जाती है, जो उसका सबसे टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है ऑटिज़म का। ऑटिज़म बीमारी में बच्चे का मानसिक विकास, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी, लोग बात करने की क्षमता, लोगों को समझने की क्षमता प्रभावित होती है। ऑटिज़म एक गंभीर बीमारी है, इसको आमतौर पे लोग समझ नहीं पाते जल्दी इसका, कि बच्चे में इस तरह की परेशानी हो रही है वो समझ नहीं पाते। आमतौर पे माता पिता ये सोचते हैं कि हो सकता है हम लोग ध्यान कम दे रहे हों या ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रहे हों, इसकी वजह से बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है। पर वो इस और या हमारी एरिया में तो लोग झाड़ फूक और भूत प्रेत वाली चीज़ों पर इतना विश्वास रखते हैं कि या तो फिर उनके पास भटकते रहते हैं, तो इस वजह से इलाज में देर हो जाती है। और इसका अगर सही समय पर इलाज शुरू किया जाए तो बहुत सारी चीजें खराब होने से बचाई जा सकती हैं, बच्चे का भविष्य बचाया जा सकता है। बीमारी से बचने के लिए महिलाएं को गर्भवती होने के बाद सावधानी बरतना शुरू कर देना चाहिए, साथ ही उन्हें समय पर टीका लगवाना चाहिए। मनोचिकित्सक बताते हैं, शुरुआत तो 2 साल के बच्चों से हो जाती है और ये अर्ली एडल्टहुड तक भी देखी जाती है, और इसके लिए जो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम लोग अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और कुछ केसेस में सीबीटी का भी हेल्प लेकर उसके सोशल स्किल को, सोशल इंटरेक्शन को हम लोग ठीक कराते हैं। तो बचाव क्या हो सकता है? बचाव यही है कि देखिए, ये डिसऑर्डर होने के बाद तो बचाव जो ट्रीटमेंट पार्ट है वही लेना है। डिसऑर्डर होने से पहले जब बच्चा गर्भ में रहता है तो माँ को जो है थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होता है कि वो डाइट का अपने ख्याल रखे, टेंशन चिंता ना करे, कोई इंजरी ना होने पाए उसे, और जब डिलीवरी हो रही है तो उस समय थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि उस दौरान कोई ऐसा घटना ना घटित हो जिससे बच्चे को कोई इंजरी वगैरह। जिन बच्चों या बड़ों में ये बीमारी होती है उनकी दुनिया और उनके रहन सहन सबसे अलग होते हैं। बीमारी बचपन से शुरू और हमेशा बनी रहती है। मनोचिकित्सक बताते हैं कि इस बीमारी के लक्षणों में एक दूसरे के साथ व्यवहार न करने, सोचने की क्षमता कम होना, भीड़ भाड़ वाली जगह पर न बैठने व हमेशा एकांत की तलाश में रहने की क्रियाएं दिखाई देती हैं। इसी तरह से अगर परिवार के साथ कुछ गलत हो रहा है तो चुपचाप उसे सुनना, समझना परंतु कुछ नहीं बोलने की आदत भी इसके लक्षण है। अगर परिवार में किसी को बीमारी है आने वाले पीढ़ी को बीमारी होने का डर बना रहता है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चे की माँ को सतर्कता बरतनी चाहिए। गर्भवती होने के बाद से माँ को बच्चे के प्रति सावधानी बरतनी शुरू कर देनी चाहिए, जैसे पौष्टिक भोजन करने, अच्छी तरह नींद लेने, वातावरण उत्तम रखने, परिवार में कलह न होने दे, समय पर टीका लगवाने की कोशिश करनी चाहिए। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।